नमस्ते, मैं आपकी दोस्त आशा आपका अपना YouTube चैनल ब्यूटी गुरुमा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग फेस पे स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल करते हैं उनसे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स एंड उसको कैसे अपन धीरे धीरे छोड़ सकते हैं स्टेरॉइड क्रीम को, क्योंकि अगर आप एक साथ छोड़ोगे स्टेरॉइड क्रीम लगाना तो इसके दुष्परिणाम आपको बहुत ही ज़्यादा आपको फेस पे दिखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो आज मैं कम्प्लीटली आपको स्टेरॉइड क्रीम के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से स्टेरॉइड क्रीम होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं और इसको हम कैसे धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा मेरे यूट्यूब चैनल को, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देना, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन वीडियो की तरफ। तो मैं आपको बताऊंगी स्टेरॉइड क्रीम कौन कौन सी होती है, जैसे कि नो मार्क्स, नो स्कार्स, विट एन, वेट नोवेट सी, ऐसी बहुत सारी क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल है जो कि स्टेरॉइड इनमें भरा हुआ रहता है। ये क्या करता है हमारे फेस पे कुछ टाइम के लिए हमको हमें ना इतनी गोरा होने की इतनी जल्दी लगी रहती है ना कि तो हम देखते भी नहीं है कि कौन सी क्रीम हमारे फेस के लिए फ़ायदेमंद है या कौन सी नुकसानदायक है। ये चीज़ें अपन नहीं देखते हैं और मार्केट में कोई भी हमें सजेस्ट कर देता है और स्टेरॉइड क्रीम अपने फेस पे अपन भरे जाते हैं। लोग टाइम तक अपन यूज़ करते हैं, वो कुछ टाइम के लिए तो अपने को गोरा बना देगा लेकिन जब आप उस क्रीम को छोड़ दोगे ना, बहुत ही गंदा वाला साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो भी लोग स्टेरॉइड क्रीम यूज़ करते हैं, वो प्लीज़ आज से ही ये क्रीम लगाना बंद करें, ठीक है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, आप लगाओगे तब तक तो ठीक रहेगा लगाने पे भी, और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके छोड़ने के। सबसे पहले तो आपका फेस पूरा ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि गोरा बनाया था ना इसने लगा लगा के, जो आपने लगाया था गोरे हो गए थे ना, तो सबसे पहले तो आप हो जाओगे काले। उसके बाद में इसमें फेस पे बहुत सारी पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी स्कार्स भी होंगे, पिंपल्स भी आपके होंगे, रेड रेड जो चकते हो जाते हैं अपने फेस पे वो भी होंगे, और इसको अगर आप कंटिन्यू लगाते हो ना तो भालू जैसे ना बाल भी अपने फेस पे आ जाते हैं, और धूप में अगर आप बाहर जाते हो धूप में तो जलन होने लगती है एक तरीके की। तो ये सारे स्टेरॉइड क्रीम के लक्षण हैं। तो अगर आप यूज़ करते हैं ना तो प्लीज़ आप आज ही इसे लगाना बंद कर दो, वरना इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बहुत ही गंदे मिलने वाले हैं। अब आपको करना है क्या है कि एक साथ आपको ये जो स्टेरॉइड क्रीम है वो लगाना नहीं छोड़ना है। आपको छोड़ना कैसे है, साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बता दिया है, तो प्लीज़ कभी भी मत लगाओ। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, सजेस्ट क्या मैं आपको बोल रही हूँ, आपको नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है, क्योंकि आपका जो फेस है ना ओरिजिनल लगाओगे ना कंटिन्यू तो इतना गंदा वाला वो मिलेगा ना। तो आपको छोड़ना कैसे है कि फर्स्ट टाइम में आप एक साथ छोड़ोगे ना तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, धीरे धीरे छोड़ना है। जैसे क्या करना है कि आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, वीक में आप दो बार यूज़ करो, वीक में आप तीन बार यूज़ करो, एक एक दो दो दिन का गैप दो, वीक में तीन बार यूज़ करो। फिर धीरे धीरे जैसे दो तीन वीक निकल जाते हैं उसके बाद में आप करो वीक में दो बार यूज़ करना शुरू कर दो, फिर करो आप वीक में एक बार ही यूज़ करो, ऐसे करके धीरे धीरे आप इस क्रीम को यूज़ करना छोड़ दो। मैं यही कहूँगी अगर जिस दिन आपने यूज़ करना छोड़ दिया ना, कि पूरा यूज़ करना छोड़ दिया कि आप लगा ही नहीं रहे, उसके 6 महीने बाद में जो आपकी स्किन थी ना ओरिजिनल वाली वो निकल के आएगी और आप बहुत ही खूबसूरत दिखाई देंगे। अगर नहीं छोड़ा ना तो इसके बहुत ज़्यादा गंदे परिणाम आपको मिलेंगे। तो मेरी राय है आप मेरी राय मानो जो मैं बोल रही हूँ, बिकॉज मैंने देखा है ऐसा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो किसी भी आपके जो स्किन डॉक्टर है ना उनसे जाके पूछ लेना स्टेरॉइड क्रीम के क्या क्या दुष्परिणाम है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। तो प्लीज़ मेरा वीडियो, मेरा चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपको स्किन से संबंधित, हेयर से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम होना तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। बाय बाय, थैंक यू।